हे गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। भी बज रहे हैं सुबह के 8 बज रहे हैं और देखते हैं भाई आज का मौसम कैसा। कल तो भाई बारिश हो रही थी, रुक रही थी, और देखते हैं भाई आज बाहर का मौसम कैसा है, क्या है, क्या मौसम कुछ ऐसा है। कल देख रहे थे बार बार बारिश हो रही थी और रुक जा रही थी, और आज देखो कितनी धूप है। देखो देख रहे थे कितनी ज्यादा बारिश हो रही थी और आज का मौसम देखो कितनी ज्यादा धूप है। और यहाँ पे मौसम कब चेंज हो जाए कुछ पता ही नहीं है। तो यहाँ का मौसम ऐसी है। फिलहाल अभी रेडी होते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। तो फिलहाल अभी करते हैं ब्रेकफास्ट, चाय हमने ले ली है, और उसके बाद ये हमने छोले भटूरे, फिर भूख लग रही थी बहुत ज़्यादा, टाइम भी हो गया था, तो जल्दी से चाय। ठीक है, तो अब जल्दी से ब्रेकफास्ट करते हैं, टाइम फिर आपसे। फिलहाल अभी हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है, अब चलते हैं भाई यहाँ से बोटिंग करने के लिए, और देखते हैं भाई बोटिंग के क्या प्राइस है। तो जो मैंने कल देखे थे वो मैं आज आपको बता देता हूँ। बोटिंग के जो प्राइस है वो है, एक है 160 रुपये का, एक है 220 रुपये का। जो 160 रुपये का है उसमें हाफ राउंड है, और जो 220 रुपये का है वो है फुल राउंड। को अगर 160 वाला लेते हो तो आप 4 बंदे बैठ के कर सकते हो, मतलब 160 रुपये आप 4 बंदों को डिवाइड कर दो, और वो 220 रुपये का उसको 4 बंदों को डिवाइड कर दो, तो एक बंदा 55 रुपये के करीब मतलब पड़ेगा। अगर आप 4 बंदे आते हो, अगर अकेले करते हो तो आपको अकेले को पड़ेगा। तो मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूँगा कि आप चार बंदे मिल जाओ, वो सॉरी 3 बंदे मिल जाओ, और मिल के एकदम एक ही बोट ले लो और राइड कर लो। इससे क्या होगा, आपके पैसे भी सेव होंगे और उनको भी हो जाएगा, आराम आपका भी हो जाएगा। तो फिलहाल अब चलते हुए बोटिंग करने के लिए, बातें शादी बहुत कर ली यार। मैंने चंडीगढ़ में बोटिंग की थी तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्राइसेस ज़्यादा थे, और यहाँ पे तो मतलब बहुत ज़्यादा कम है, सोच रहे हो इतने ज़्यादा कम है प्राइस। तो अब चलो चलते हैं भाई यहाँ से बोटिंग करने के लिए। फिलहाल अभी हमने बोटिंग वगैरह कर ली है, और फिर से जो लेक है जहाँ पे हमने बोटिंग की थी, हम गए थे वहाँ तक, बिल्कुल एंड तक गए थे, और वहाँ से हम बोटिंग करके आ रहे हैं। तो आके हम थोड़ा रेस्ट कर रहे थे। अभी हमें यहाँ से एक बार बैक कैमरे से व्यू दिखाता हूँ, वो एक नंबर का व्यू आ रहा है यहाँ से। फिलहाल मैंने यहाँ का आपको व्यू तो दिखा दिया है, बोटिंग वगैरह भी कर लिए, अब चलते हैं यहाँ से, कि मुझे 5 बजे हल्द्वानी में काम है, 5 बजे पहुँचना है हल्द्वानी में। तो अब चलते हैं भाई यहाँ से, नेक्स्ट टाइम आएंगे तो नेक्स्ट टाइम और भी जो जगह बची है वहाँ पे नेक्स्ट टाइम विजिट करेंगे। तो फिलहाल अभी निकलते हैं यहाँ से, और 2 बज रहे हैं, 3 घंटे हैं हल्द्वानी पहुँचना, आराम से बाकी हल्द्वानी पहुँचते हैं भाई। यहाँ पे ना एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है, यहाँ पे लूट मार बहुत ज़्यादा है, जैसे रूम्स में तो आपको अच्छी करके बार्गेनिंग करना होगी रूम से, बाइक में और ट्रैवलिंग में। तो आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रख रहे हैं, क्योंकि आप जितनी बार्गेनिंग कर लोगे उतना ही फ़ायदा है, बाकी आप अपने ऊपर देख लेना। क्योंकि मैंने तो बहुत कम प्राइस में रूम लिया था, मुझे तो थोड़ा सा स्पॉन्सर वगैरह से कम पड़ गया था। वैसे भी आप जब भी लो तो बार्गेनिंग करना भाई तगड़ी वाली। तो फिलहाल अभी हम पहुँच चुके हैं हल्द्वानी, और गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है, ऊपर तो अच्छा लग रहा है, नीचे आते हम वैसे ही गर्मी लगने लगी, तो पसीना वसीना भी आने लगा। अभी एक भाई को कॉल की थी, वो आ रहे हैं पिक करने के लिए, थोड़ी देर में आ गई उनकी कॉल भी आ गई, तो जल्दी से कॉल अटेंड करते हैं, देखते हैं कहाँ पर हैं। फिलहाल अभी हमें भाई पिक करने के लिए आ गए, और भाई क्या हाल है? बढ़िया है, गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा यार, ऊपर तो बिल्कुल गर्मी नहीं लग रही थी, यहाँ पर आती कहीं एकदम इतनी गर्मी लग रही है यार, बहुत ज़्यादा। हाँ बहुत ज़्यादा ही गर्मी, बहुत ज़्यादा गर्मी। तो फिलहाल चलते हैं भाई, क्योंकि धूप में खड़े हैं, तो चलो मिलते हैं आगे। फिलहाल अभी हम आए खाना खाने के लिए, भूख लगी थी बहुत ज़्यादा। भाई लेके आए, कहाँ लेके आए हो? समा होटल। समा होटल पे लेके आए, मन भूख लग रही बहुत ज़्यादा, ऊपर तो भाई ऐसा कुछ खाना ऊपर इतना टेस्टी नहीं मिलता, मतलब वही था काम चला, अच्छा मिलता है और डिस्काउंट भी बहुत अच्छा मिलता है, भाई को मिलता है डिस्काउंट। तो फिलहाल अब खाना खाते हैं और देखते हैं इसके बाद का क्या सीन है, बाकी खाना खा के फिर आपसे मिलता है। तो यार फिलहाल अभी हम आ चुके हैं अपने रूम पे, और थक गए बहुत ज़्यादा, नैनीताल में बोटिंग करते करते थक गए बहुत ज़्यादा। तो यार आज का ब्लॉग करते हैं यहाँ पे एंड, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। यार आप वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो यार, कर दिया करो भाई यार, सिर्फ एक रेड वाला बटन है ना उसको वाइट कर दो, ठीक है, और साइड में बेल आइकन उसको भी ऑन कर लेना यार। तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए इतनी मस्त मस्त वीडियो लेके आ रहा है यार, तुम्हारा भी तो हक बनता है यार, कुछ करो यार भाई के लिए। तो नीचे कर देना यार भाई, इतनी कहने की जरूरत ही नहीं पड़े। तो यार यहाँ पे करते हैं अपनी वीडियो को एंड, मिलते किसी एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, दुआओं में याद रखना।